कब जा रहे हो माता रानी के दर्शन के लिए? तेरी माँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आज उसकी जगह अगर तूने मुझे डैनी डॉयल के फोन के बारे में बताया होता। मुझे कैसे पता होता कि वो डॉयल हॉलीवुड का डैनी है? वो पिंच डैनी डैनी कुछ कर रहा था, मुझे लगा डैनी डैन सब होगा, मैंने भगा दिया उसे। कैंटी बच गई सड़की। हाँ सिक्योरिटी, कौन है? अरे आशीष, तुमने किसी मनोज को बुलाया क्या? पूरा नाम तो पूछो। पूरा नाम क्या बताया? मनोज रामलन हॉलीवुड। सेंस का डेट तो मुझसे मिलने आए, अंदर तो बुलाओ कर दे। अंदर भी तो भाई जी, कोई हॉलीवुड का ऑफर लाया होगा उसने। यस यस यस, आती जी, लगता है आपका हॉलीवुड का सपना अब साकार होने जा रहा है। गॉड इज ग्रेट। अच्छा हुआ मैं यहाँ था, वरना तुम इस मनोज को भी मनोज वाजपेयी समझ कर भगा दिया होता। अब इतने भी नहीं है, अंदर बुलाओ उसे, मैं तैयार हो गया। अब लो तुम मासल बंटी पवेजा। कुछ तो वजह होगी है? तुम्हें कहा बंटी पे वजह। बंटी पवेजा, सेक्रेटरी हूँ मैं आतिशी का। ब्लडी सर्वेंट, बदबू आ रहा है। कहाँ घुस रहे हो तुम? अरे बताओ तो सही, हो कौन तुम? मैं हूँ मनोज रामलन, इंटरनेशनल फिल्म डायरेक्टर फ्रॉम हॉलीवुड। टैचवुड? नहीं नहीं नहीं, तुम मनोज रामलन हो नहीं सकते। मैंने उसकी फोटो देखी है, वो तो काला है। He's dark. I know that. Yeah. देखो बेटा नौकर, जिसकी फोटो तुमने देखी है वो मेरा छोटा भाई है, मनोज नाइट रामलन। और मैं मनोज डे रामलन। नाइट भाईजान रात के वक्त पैदा हुए थे, इसलिए वो बेचारे काले। और मैं दिन के वक्त पैदा हुआ था, इसलिए मैं गोरे हैं। आतिश, 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 आतिश। बहुत सारी फिल्में बनाई है, लेकिन इंडिया पे मैं पहली बार फिल्म बनाने वाला हूं। इंडिया की गरीबी और इंडिया का गरीब सुपरस्टार। परफेक्ट रेसिपी फॉर ऑस्कर। मुझे गरीब मिल गया, अमीर लीजिए। आमिर साहब, ओ तेरी आइला वो वाला। ये स्ट्रगलर, तुम उसे कह दो, मैं उसे कह देता हूँ। आमिर बेटा देखो, मैं ये फिल्म सिर्फ खास ऑस्कर के लिए बना रहा हूँ, समझे? मुझे गरीब दिखने वाले एक्टर चाहिए, समझे? तुम नहीं चाहिए, बाय। देखो बेचारा कितना गरीब है, देखो कितना गरीब है। मैंने फैसला कर लिया कि मैं ये फिल्म सिर्फ आतिश कपूर के साथ ही बनाऊंगा, समझे? अगर तूने दोबारा डायरेक्टर साहब चिल्लाया तो चड्डी उतार दूंगा। नहीं सर, चड्डी नहीं सर। मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि फिल्म की कहानी क्या है। अब इतना पूछ लिया तो क्या गुनाह हो गया सर? ओके ठीक है, आमिर को होल्ड पे रखना। होल्ड प्लीज। लेकिन अगर हमारे बंटी जी को ऑस्कर विनिंग कहानी पसंद नहीं आई तो आतिश का ऑस्कर हम आमिर साहब को। नहीं, हम तो कोई कहानी नहीं सुननी सर जी, हमको सिर्फ ऑस्कर चाहिए। कहानी तो मैं सुना के रहूंगा आतिश जी, आई इंसिस्ट डार्लिंग। कहानी एक ऐसे महान इंसान के बारे में है जिसका नाम है तीसमार खान। लेकिन कहानी
आपने क्या है जी? मार्का एक क्रांतिकारी है जो अंग्रेज सरकार के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत करता है। करोड़ों के हीरे मोती जेवरात की चोरी, एक हैरत अंगेज प्लान, दिल को दहला देने वाला सस्पेंस। क्या क्या है वो प्लान? यही तो सस्पेंस है। मुझे कहानी पसंद है, मैं पिक्चर कर रहा हूं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आमिर को बोलो पैकअप उसका। अरे आमिर पैकअप। पर इनकी फीस का क्या होगा? पैसे पैसे। आतिश अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, तुम्हें ऑस्कर चाहिए या पैसे चाहिए? ऑस्कर दे हो मनोज दे हो दे हो। शूटिंग शुरू होगी, शूटिंग शुरू होगी अगले हफ्ते दुलिया गांव में। यस। दुलिया का है? दुलिया, दुलिया का है? यही तो सस्पेंस है। पहुंच जाएगा तुम्हारे वहां एड्रेस।